संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान हमारे ध्यान में। समय सार गाथा 276-277, पेज नंबर है 397, 397। आपको लग रहा होगा कि ऐसा बीच में कहाँ से आ गया जी, हमारा इस समय सार पर व्याख्यान पहली गाथा से क्रम से चल रहे हैं और जहाँ भी होते हैं इस पर व्याख्यान वो आगे उसी परंपरा में चलते हैं। तो होते होते हम 275 गाथाओं तक व्याख्यान कर चुके हैं और अब ये 276-277 से शुरू हो रहा है। अब ऐसा कोई सिलेक्टेड गाथाओं पे भी नहीं है और कहीं अधिकार से भी शुरू से हुए वहाँ से भी बात नहीं है। आपको पीछे के प्रकरण को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, यहाँ बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि एकदम बात बदल रही है। पीछे से ज़्यादा संपर्क नहीं है कि जिसके बिना इसका पर व्याख्यान ना किया जा सके। तो आपको जानना है तो आप पढ़ लेना घर पर स्वाध्याय करके इसमें इसको अपनी। अभी यहीं से गाथा चलाते हैं। इसका जो हेडिंग है गुजराती में मथालो कहते हैं, उत्थानिका कहते हैं अपने संस्कृत हिंदी में, कि दसौ प्रतिषेध प्रतिषेधकौ व्यवहार निश्चय नयऊ इति चेत। इति चेत माने यदि कोई ऐसा कहे तो, न्याय की भाषा का स्पेशल शब्द है। पहले भी मैंने कई दफ़े कही कि ननु तथा ही किंच, ऐसे शब्द हैं जो न्याय की भाषा में बहुत प्रयोग होते हैं और उनके अर्थ सुनिश्चित हैं। ननु माने कोई शंकाकार प्रश्न कर रहा है बस, है ना। तथा ही माने जो बात हमने पहले कही थी अब उसी को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। और एक ये शब्द है इति चेत, तो यदि कोई ऐसा कहे, खुद वो प्रतिपादन करने वाला, प्रतिपादन करने वाले आचार्य खुद ही ये कहते हैं कि अपने मन से प्रश्न उठाकर कि यदि कोई ऐसा कहे तो उसका जवाब क्या है। वो कह रहे हैं कि हमने पहले कहा था कि व्यवहार नए निषेध है और निश्चय नए निषेधक है और इनमें आपस में निषेध निषेधक संबंध है। तो शिष्य कहता है कि जरा हमारी समझ में नहीं आया, इस बात को आप स्पष्ट करो कि व्यवहार नए क्यों निषिद्ध है, निश्चय नए क्यों निषेधक है और वो कैसे निषिद्ध है, कैसे निषेधक है। तो उन शंकाओं के समाधान में ये गाथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। देखो व्यवहार और निश्चय नए में कौन सा संबंध बताया, निषेध निषेधक। तो निश्चय और व्यवहार में कौन सा संबंध होगा, सब होशियार है ना, लेकिन ये नहीं है। तो सोच के जवाब दो, जल्दी नहीं करना चाहिए। उनमें है प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, समझना इस बात को। थोड़ी सी सावधानी के लिए मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ, राम और सीता के साथ कौन सा संबंध है, राम का सीता के साथ कौन सा संबंध है, राम और सीता में परस्पर कौन सा संबंध है। तो हम कहेंगे पति पत्नी संबंध है, कहेंगे ना। अब फिर लौट के पूछें कि सीता और राम के साथ, अब सीता और राम में परस्पर कौन सा संबंध है, तो फिर कि उसमें क्या है, वही रहेगा ना,
ऐसा हमको लगता है ना, राम और सीता के साथ जो संबंध है पति पत्नी का, तो सीता और राम के साथ वही संबंध रहेगा, संबंध कैसे बदल जाएगा? लेकिन बदल जाता है कि हम बोलते हैं राम पहले और सीता बाद में, तो बोलते हैं पति पत्नी, माने राम पति है और सीता पत्नी है, ऐसा संबंध है। लेकिन जब हम बोलते हैं सीता और राम में, तो हम कहेंगे पति पत्नी, तो सीता हो जाएगी पति और राम हो जाएगा पत्नी, ऐसा है नहीं, क्योंकि क्रम से ही लगेंगे ना। तो वहाँ हमें ऐसा बोलना पड़ेगा सीता और राम के साथ पत्नी पति संबंध है। जब राम और सीता से बदल के हमने सीता को आगे किया, क्यों, और राम को पीछे किया, तो संबंध को भी बदलना पड़ेगा। हमें निश्चय व्यवहार में तो इससे भी आगे है, वहाँ तो पति पत्नी पत्नी पति ऐसे ही रहा ना, दे शब्दों की बदला बदली हुई, यहाँ तो बात ही बदल गई कि व्यवहार है प्रतिपादक और निश्चय है प्रतिपाद्य, और व्यवहार है निषेध और निश्चय है निषेधक। आप समझिए ना, तो यहाँ पर रिश्ता ही बदल जाता है, व्यवहार निश्चय नय का प्रतिपादन करता है, निश्चय नय के विषय को बताता है और निश्चय नय उसको किस तरह प्रतिपादित करता है, ये सब व्यवहार के का काम है। कलश टीका में तो लिखा है कथन मात्र व्यवहार, बोलो तो व्यवहार खड़ा हो जाता है, चुप रहो तो निश्चय खड़ा होता है। तो वो कहते हैं समझने समझाने में तो व्यवहार ही काम आता है। तो निश्चय नय और उसका विषय, विषय को भी कभी निश्चय नय कहते हैं, ये दोनों हैं प्रतिपाद्य, और व्यवहार नय उनका है प्रतिपादक। अब वो कहते हैं कि व्यवहार नय ने निश्चय नय का प्रतिपादन कर दिया, अब क्या करें? तो कहते निश्चय नय आएगा और व्यवहार नय का निषेध करके और स्वयं निषिद्ध हो जाएगा। इस तरह दोनों ही नयों को निषिद्ध होना है, अंत में तो गति दोनों की ये है। लेकिन व्यवहार का निषेध व्यवहार नहीं करेगा, निश्चय करेगा, और निश्चय अपनी बात कहकर व्यवहार का निषेध करके और फिर खुद भी निषिद्ध हो जाएगा। उसे निषेधक करने के लिए दूसरे किसी नए की जरूरत नहीं है, है ना, ये ऐसा विचित्र स्थिति है। अब जैसे देखो इस हॉल में सामने हम एक आदमी को खड़ा कर दें, हम हॉल की बहुत बढ़िया सजावट की है और उसका ओपनिंग किसी से अब करवाना है, तो जब कम से कम ओपनिंग करवाएं उस समय तो इस हॉल में कोई नहीं रहना चाहिए ना, पर जब ओपनिंग हो के फीता कट के सब लोग साथ में आना चाहिए ना अंदर। अब पहले तो व्यवस्था करेंगे तो अंदर रहेंगे लोग, तो सबको बिल्कुल खाली करके चारों तरफ से बंद करके और दरवाजे पर एक चपरासी को खड़ा कर दिया कि तेरी ड्यूटी ये है कि अभी किसी को भी अंदर मत जाने देना। अब वो चपरासी ताला तो है नहीं कि वो एकदम वीतराग भाव से और सावधानी पूर्वक उसको रोके रहेगा, उसका उपयोग जरा इधर उधर हुआ और चार आदमी घुस गए, क्यों, अभी हॉल तक आ गए तो वो क्या करेगा? कि वो आएगा और अत्यंत विनयपूर्वक निवेदन करके उन्हें बाहर कर देगा, डंडा मार के बाहर कर देगा, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, क्या अत्यंत विनयपूर्वक निवेदन करके कि भाई साहब अभी हॉल में कोई नहीं आना है, मुझे कोई सख्त ऑर्डर है, आप पधारिए, और उनको बाहर कर देगा। फिर वो क्या करेगा? फिर वो हॉल में बैठा रहेगा,
कि फिर वो बाहर हो जाएगा और गेट पे पहुंच जाएगा। तो चपरासी निश्चय में है कि जो दूसरों को निकाल कर खुद भी निकल जाता है, समझ नहीं ना। वस्तु तो निर्विकल्पक है और नए होते हैं विकल्पात्मक। तो वस्तु हमारे ज्ञान का गेय बने, अनुभव में आए, उसके लिए विकल्पात्मक ज्ञान का निषेध होना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पर वो निषेध निषेधक जो संबंध है व्यवहार और निश्चय में, उसको समझा रहे हैं। देखो कुंद कुंद को तो ऐसा कुछ विकल्प था नहीं कि मैं कोई निश्चय व्यवहार का निषेध निषेधक संबंध बता रहा हूँ। वे तो अपने क्रम में 415 गाथाएं लिखी और उन उसी क्रम में अपनी बात को प्रतिपादन करते चले जा रहे हैं। ये तो अमृतचंद्राचार्य देव हैं जिन्होंने ये हेडिंग लिखा है 1000 वर्ष बाद, और उन्होंने इसमें से निकाला है कि इसमें निश्चय नए व्यवहार नए का निषेध कर रहा है। जबकि अपन अभी गाथाएं पढ़ेंगे और उनका अर्थ पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। अब उनने अर्थ क्यों निकाला, कैसे निकाला, उसकी बात अपन टीका पढ़ेंगे तब बताएंगे। गाथा में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें से दूर का भी ऐसा उसमें से कुछ हमको संकेत मिले कि निषेध निषेधक संबंध बता रहे हैं। ये तो गुरुदेव की भाषा में कहें तो अमृतचंद्र की ही ये ताकत थी कि वो ये निकाल सकते थे। वे अमृतचंद्र के लिए ग्वाले का उदाहरण देते थे, कौन, बहुत मजबूत चतुर ग्वाला। और इस समय सार को काय की उपमा देते थे, कुतार गाय। कुतार गाय माने लाते मारने वाली गाय, एकदम आगे पास जाओ तो सींग मारे, लाते मारे, फटाफट फटाफट, क्यों समझ में आई ना। इस समय सार ऐसा है कि वो गाय है कि जो अपने दूध अंदर में लिए है लेकिन किसी को दुहने नहीं देता है, और अमृतचंद ऐसे ग्वाले हैं कि वो उससे जबरदस्ती वो सब निकाल लेते हैं। ऐसा गुरुदेव उपमा देते थे। अपनी तो क्या हिम्मत है कि अपन समय सार को कुतार गाय कहें। वैसे गो माने जिनवाणी होता है, तो जिनवाणी तो है ही समय सार, और कुतार माने जिसका अर्थ बहुत आसानी से नहीं समझा जा सके। अभी संजीव आपको बता रहा था ना कि द्रव्याणी योग हलुआ है हलुआ, और कर्णाणी योग सूखे चना है बिल्कुल बिना सूखे, है ना, कि बिना सूखे सूखे चने चबाओ तो दांतों दांत मजबूत चाहिए, आसानी से नहीं चबते हैं। जो कहते हैं ना फिर तो लोहे के बना देते हैं, उसमें लोहे के तो नहीं बनाए, कम से कम सूखे चने हैं लेकिन वे चबा के एक दफ़े पेट में चले जाएं तो बहुत आसानी से पच जाते हैं। और समय सार इतना बढ़िया हलवा है कि खाओ तो गट्टे से फटाफट उतर जाए, दांतों को चबाने का तो सवाल ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर वहाँ जाके ऐसा जमता है कि अच्छे अच्छे रोचक चूर्ण खाने के बाद में भी मैं वो नहीं निकलता है, है ना, उसको पचाना बहुत कठिन है। तो ये समय सार समझ लो कि ऐसा माल हलुआ है। क्या दो दो उपमाएं हो गई ना, कौन कौन सी, एक कुतार गाय और एक एकदम बढ़िया हलुआ, है ऐसा ये समय सार है। देखो गाथा पढ़ते हैं अपन, आचारादीनाम जीवादी जी का
देखो अपने हिंदी का अर्थ तो आप भी समझ में स्पष्ट आया ही होगा, फिर भी मैं भी कर देता हूँ। कहते हैं आचार आदि नाणम और जीवादि दंशनम च विन्नेयम। कहते हैं कि शास्त्रों का आचारादिक शास्त्रों का अध्ययन करना। आचारादि क्यों लिखा, तो आचारांग सूत्र कृतांग ऐसे नाम है ना, ये वो आचारादि लिख दिया, तो मतलब आचारांग सूत्र कृतांग ऐसे हैं संवायांग, मैंने ऐसे जो हमारे शास्त्र हैं उनका ज्ञान है, वो ज्ञान है और उनका श्रद्धान है, वो दर्शन है। और छह काय के जीवों की रक्षा का भाव और रक्षा करना भी, ये व्यवहार से चारित्र है। मैंने ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है। तो ये बात उन्हें इसमें तो व्यवहारों व्यवहार से है ये कथन, ये गाथा में स्पष्ट लिख दिया। लेकिन नीचे की गाथा ये निश्चय नहीं की गाथा है, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है। देखो पढ़ो, आदा तु मज्जनानम आदा तु सदनशनम चरित्रम च आदा पच्चक खाणम आदा में संवरोज हो गए। आप कह सकते हैं कि इसमें जगह नहीं है, जगह का नहीं थी, चार दफे आधा कह दिया, एक ही दफे आधा कह देते तो जगह निकल जाती। ये आधा कौन सा है जो अपन चाय में डालते हैं सर्दियों में, वो अदरक वाला आधा नहीं है। ये आधा माने आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संवर है, आत्मा ही योग है। कथन ऐसा कथन किया है। तो अभी ऐसा लगाओ कि ऊपर की गाथा व्यवहार की है तो नीचे की निश्चय की होगी, भले ही उसमें निश्चय शब्द नहीं लगा है, क्योंकि हर समय सार में ऐसा ही होता आया है। कभी कभी तो एक ही गाथा से काम चलाया, ऊपर की गाथा में व्यवहार का वर्णन और नीचे की ऊपर की पंक्ति में और नीचे की पंक्ति में निश्चय का वर्णन है ना, आता है ना। व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो हवरी खलु एक को नदु निश्चय जीवो देहो भी कदापि एक अट्ठू, आ गया ना, एक ही गाथा में दोनों आ गई, ऊपर व्यवहार नीचे निश्चय। व्यवहारेण बदस्यति जीवस्य चरित्र दंशनम नाणम न मिणाणम न चरित्रम न दंशनम जानगो शुद्ध हो। तो वो भी ऐसा ही है कि एक पंक्ति में व्यवहार का कथन उन्हीं के लिए इतनी बात नक्की है कि व्यवहार का कथन ऊपर की पंक्ति में होता है और निश्चय का कथन नीचे की पंक्ति में होता है। और ऐसी गाथाओं में भी व्यवहार का कथन ऊपर की गाथा में होता है और निश्चय का कथन नीचे की गाथा में होता है। इसलिए व्यवहार का नंबर एक है क्या और निश्चय का नंबर दो, और दो नंबर तो बहुत बदनाम है। ऐसा क्यों है, महत्वपूर्ण तो निश्चय है ना, महत्वपूर्ण तो निश्चय है, व्यवहार का उसे नंबर ऊपर क्यों नहीं दिया और निश्चय को ऊपर नंबर क्यों दिया। कि भाई व्यवहार से हमें प्रतिपादन करना है और फिर निश्चय उसको आगे निषेध करेगा, उसका पहले कैसे हो सकता है, समझे ना। जब ये शिविर समाप्त होता है और समाप्त होने के बाद जब सबके वो कौन सा समापन समारोह होता है, वह धन्यवाद ज्ञापन होता है, और ये तो अपन ने देख लिए ना कि अपने उद्घाटन समारोह और समापन समारोहों की क्या दुर्दशा है। उद्घाटन समारोह तो कल देखे ही थे और आज देख लो, मैंने कहा था ना उनको कि आज हॉल भर जाएगा, तो आगे से भरा है, पीछे तक देखना, महिलाओं में भी देख लो, महिलाओं में तो कल जीरो थी और आज हीरो बनी हुई है। है ना, है ना, क्यों, और समापन में तो चिड़िया नहीं देखेंगी। अब धीरे धीरे वो समापन समारोह हमें बंद ही करना पड़ रहा है, अब उसकी जगह प्रवचन चलाओ भैया तो एक प्रवचन ज्यादा मिलेगा,
एक दिन पहले ही सफर खत्म हो जाता है, कोई रहता ही नहीं ऐसा, क्योंकि हम इतने अधिक आत्मार्थी हो गए हैं कि 10 दिन के शिविर में 1 घंटे का उद्घाटन और 1 घंटे का समापन हमें बर्दाश्त नहीं है। वो औपचारिकता, वो व्यवहार है ना, यानी हमें व्यवहार इतना भी बर्दाश्त नहीं है। वो 10 दिन निश्चय चलेगा, वो 10 दिन निश्चय हमको ये है। अब ये मोक्षों की तो समझ में सबकी आता है, अब नए नए नेता लोग आते हैं उन्हें कैसे समझाएं, क्योंकि वो सीधा अर्थ यह है कि तुम्हें सुनने कोई नहीं आया। भोपाल की सच्ची घटना है, कोयपिरा में दोपहर के 2 बजे वो रखा था प्रवचन मेरा, और एकदम इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, जो पंडाल बनाया था उसके बाहर सारे रस्ते मस्ते रुक गए थे कहीं से चारों तरफ, और उसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर आने वाले थे। अरे वो जब वो आए, जब प्रवचन चल रहा था, तो वो भीड़ इतनी थी कि जिस गली से उन्हें आना था गाड़ी उनकी आ नहीं पाई, वहाँ उतरना पड़ा, और उस भीड़ को चीरते हुए आना उनको बहुत भारी पड़ा। अभी मैं तो आया ही नहीं, इतनी भीड़ कैसे आई? क्या नेता लोग तो समझते हैं ना, भाई मैं आता हूँ भीड़ तो तब इकट्ठी होती है, पर इतनी भीड़ दिन के 2 बजे? तो आते ही उनने पूछा इतनी भीड़, मैं तो अभी आया ही नहीं, मेरे को आप इसी बार टाइम पे बुलाया था, इसी टाइम में आया सही समय पर। तो लोगों ने कहा साहब ये भीड़ आपके लिए नहीं आई है, ये डॉक्टर साहब का प्रवचन सुनने आई है, ये इतनी भीड़ दिन के 2 बजे प्रवचन सुनने, ऐसे किसी शांति से ऐसा बोले कि दंगा रहेगा, मैं तो सफल हो गया, मेरे तो नेत्र सफल हो, मैं तो जितना सुना उतने में से तृप्त हो गया, बहुत 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 बोला, और ऐसा हो गया ऐसा भूल भाल गया जो बोलने सोचने को किया आया होता बोलने के लिए, फिर यही रामायण शुरू कर दी। ये मोक्षुओं का गुरुदेव श्री का वो पुण्य प्रताप है, जब मैं कहता हूँ ना कि उनने हमें माल भी दिया और मार्केट भी दिया, क्या बेटा क्या प्रवचन करना ये भी बताया, और भीड़ भी इकट्ठी उन्हीं ने कर दी, उस तत्व ज्ञान की धारा को लोगों के हृदय में जगा कर इतना लोलपी बना दिया, क्यों कि उस तत्व की बात सुनने के लिए लोग 10-10 दिन रुकने के तैयार हैं, और उन्हें नेताओं की बात सुनने के लिए आध घंटा देने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे मूक्षों की स्थिति है सारे देश में, हमारे मूक्ष समाज के नेता इससे बहुत परेशान हैं, क्यों कि वे उद्घाटन में नेताओं को कुछ दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाएं बोलो, कभी ऐसा करो कि 2-3 दिन सुबह पहले चला लिया करे और फिर नेताओं को बुलाया करे, बीच में तो बेचारे काट नहीं पाएंगे, ये बीच में भी अधिवेशन वधिवेशन रख देते हैं ना, तो भी उसकी क्या दुर्दशा होती है, उस टाइम में लोग पद्म पराह हो आते हैं, महावीर जी हो आते हैं, जयपुर के मंदिरों के दर्शन कराते हैं। ये सचमुच इस पंचम काल का आश्चर्य नहीं है, क्यों गुरुदेव श्री आज भी जिंदा हैं, ये इस बात का सबूत नहीं है, क्यों ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्या हमारे संतुष्ट होने के लिए ये कम है, हैं? जो हमें और कुछ चाहिए क्या राजेंद्र जी? ये होती है ना शायद संस्थाओं के, बड़ी बड़ी संस्थाओं के अधिवेशन 3 दिन के, 1 दिन उद्घाटन समारोह, 1 दिन समापन समारोह, और बीच में 1 दिन का सेमिनार।
जितने वक्ता उतने ही श्रोता। कभी कभी तो वे जो वक्ता हैं अपना भाषण दे के भाग जाते हैं, वो मानी भाग पाए तो शहर घूमे आते हैं, वे बैठते नहीं हैं। मैंने 20 विद्वान बुलाए आपने सेमिनार में, तो 20 आदमी भी श्रोता के रूप में उपस्थित नहीं रहते। क्यों? देखे ना तुमने सेमिनार है? मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जिंदा हैं, हमारे गुरुदेव श्री जिंदा हैं और वीतरागी तत्व ज्ञान उनके द्वारा प्रतिपद वो जिंदा है। इस बात के सबूत के लिए ये बात अपर्याप्त है क्या, जो हमें कोई दूसरे सबूत की जरूरत है? ऐसे बहुत प्रवचनकार वक्ता हैं और वो नए नए मुमुक्षु बनते हैं, और बनते हैं तो पूरी गहराई से मुमुक्षु समाज को नहीं पहचानते और वो तत्व ज्ञान को भी नहीं पहचानते। तत्व ज्ञान की भी पकड़ उन्हें गहराई से नहीं होती है, और फिर वो कहते हैं कि हमारा रख दो, हमारे सुनते नहीं, हम वहाँ जाएँ हमें किसी ने मिला नहीं सुने नहीं, मुमुक्षु तो बिल्कुल कोई बैठे ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि मुमुक्षु क्या चाहते हैं। जो आप जान रहे हो उसे 10 गुना ज़्यादा तो वे सामने वाला जानता है। आप पहले उतना ज्ञान अर्जन कीजिए फिर देखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी शैली मैली, नहीं नहीं, आपकी शैली अच्छी है, इस धोखे में मत रहना। ये मुमुक्षु समाज में शैली मैली से कुछ नहीं चलता। शैली का उतना योगदान नहीं है जितना मूल तत्व ज्ञान का योगदान है। वो ये जानना चाहता है कि हम सभा में से जब उठ के जाएं तो हमें दो बातें नई सीखने को मिली कि नहीं तत्व ज्ञान के संदर्भ में, तब उसे संतुष्टि होती है, हैं? तब वो सुनना चाहता है, तब वो बोलाता है। नहीं तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि भैया इस साल तो आपने हमारा परिश्रम बिगाड़ दिया, अब अगले साल ध्यान रखना, अगले साल मत बिगाड़ देना। ऐसे फोन आते हैं जो आपका रिकॉर्ड बनाते हैं हमारी संस्था में, समझ नहीं ना। और जिस गांव के लिए कहते हैं कि भाई तुम उसे बुला लो, वहाँ से कहते नहीं नहीं नहीं, उनको मत भेजना, उनको मत भेजना, उनको मत भेजना, किसी कीमत में भेजना, जब दूसरा विद्वान है ही नहीं तो मैंने ही उनके अच्छा नहीं विद्वान के काम चला लेगी। ऐसे फोन आते हैं। अपना तत्व ज्ञान है उसकी कितनी महिमा है और कितने लोग तैयार हैं उसकी बात के लिए, इसके लिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। देखो अब ये नीचे की गाथा ऊपर की गाथा में मैंने बोला ना, क्यों है ये? निश्चय ने तो महान है कि निषेध उसका करना है। मैं आपसे कह रहा था ना कि समापन समारोह में जब वो धन्यवाद देने खड़ा होता है तो वो खड़ा कहता है ये इतने महान हैं, ये इतने महान हैं, इतने महान हैं, गिनाते हैं ना महानताएं विद्वान की, और इनने ये महान काम किया है। तो ये सब वो व्यवहार से प्रतिपादन करते हैं ना, माने ये सब व्यवहार है ना। अरे पूरा समापन समारोह ही व्यवहार है। कैसा, उन्होंने हमें धन्यवाद तक नहीं दिया। जो कहते हैं उनसे उनके घर गए थे, उन्हें चाय तक नहीं पिलाई। ऐसे हम गए 10 दिन हमने मेहनत करी और उनने हमें धन्यवाद तक नहीं दिया। तो वो ये कहते हैं कि वो जो व्यवहार है, ये व्यवहार है ना, कौन सा धन्यवाद देना, उनके गीत गाना, और फिर वो वक्ता को कहते साहब आप 5 मिनट बोलो। मैं कहता हूँ क्या बोलवाना चाहते हो, 10 दिन तो बोल दिया मैंने, सच्ची घटना बताता हूँ। 10 दिन तो बोल लिया, अब क्या बोलूं? अब तुमने मेरे गीत गाए, मैं तुम्हारे गाऊं? है? 10 दिन के किए धरे पे पानी फेर दूं? है? हम कहते हैं देखो जो इनने कहा है उसमें कुछ दम नहीं है, सब झूठ है। ये गुरुदेव का दिया तत्व ज्ञान है, हम तो उनकी चपरासी हैं, जो संदेश आप तक लाए हैं हम बताते हैं। तब ये अच्छा लगता है कि नहीं? तो उनने व्यवहार से हमें बहुत बहुत महिमा बढ़ाई और हमने निश्चय से उसका निषेध कर दिया। तो निश्चय की बात तो बाद में ही आएगी ना। और हम ये कहें तुम कैसे लोग हो, हम कितने बड़े विद्वान हैं, तुम समझते ही नहीं हो,
हैं, और तुमने कुछ भी नहीं किया हमारे धन एक, एक एक कम से कम तुमने माला तक हमारे गले में नहीं डाली, क्यों? एक माला तो डाल देते। अब वो कहते हैं कि कैसा अभिमानी है, ये तुम हाथ मालाओं का भूखा है, धन्यवाद चाहिए। तो वो उल्टी हो जाएगी ना बात, कि वो मांगने लग जाए क्या है? और वो कहने लग जाए कि ये किसके काबिल हैं ही नहीं, हम क्या करें, तो उल्टा हो जाएगा कि निश्चय का निषेध व्यवहार करने लग जाए क्या, जैसा आजकल होता है कि ठीक है वो आत्मा शुद्ध बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, अनादि अनंत है, त्रिकाली है, ध्रुव है, ठीक है ठीक है, हम भी कहते हैं, लेकिन आखिरकार ये व्यवहार तो पालन करना ही पड़ेगा ना, तुम धर्मात्मा हो, ये तो तुम्हारा व्यवहार देख के ही लोग जानेंगे। माने समस्या उसकी धर्मात्मा होने की नहीं है, लोग उसे धर्मात्मा जाने इसकी है, और वो व्यवहार से ही जानेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है? कल ही मुझे किसी ने सुनाया कि वो थोड़ा सा कुछ क्रियाकांड कर लेता है तो इतनी महिमा इतनी हो जाती है, ये मुमुक्षुओं में ही जो गुरुदेव के अनुयायी हैं उनमें भी उस क्रियाकांड वाले की महिमा कभी कभी तत्वज्ञान वाले से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ख्याल में नहीं ना? तो एकल जी को तो कहना पड़ा कि भैया इसमें कोई दम नहीं है, तुम कहाँ चढ़ गए हो। एकल जी के शब्द मैं दोहरा रहा हूँ, इतने मुमुक्षुओं में जब इतना होने लगता है समझ जाए इसने क्या तत्व ज्ञान सीखा, क्या किया है। नहीं नहीं इतना तो जरूरी है, इतना तो जरूरी है, इतना तो जरूरी है, कितना जरूरी है, कौन से साथ है? वो तो इतना जरूरी बताता है जैसे मुनि पहले हो जाना जरूरी है और फिर आत्मा फात्मा की बातें बाद में सुनना जरूरी है। तो उल्टा हो जाता है ना वो, मतलब अभी भी हमारे दिमाग से उस छोटे क्रियाकांड की महिमा साफ हुई नहीं है। ये कितनी आम मतलब आश्चर्य की बात है, इसकी वजह से तो ये सारा देश न जो बिल्कुल जीरो है तत्व ज्ञान में उनके कब्जे में चला गया, और उसी की महिमा ये जो थोड़ा सा स्थान बचा है, कितना जैसे सारे जंगल में आग लग गई थी ना, समय सा रखा था तो वो उतना सा एक पेड़ बचा रहा था, इतना ये पेड़ बचा है तो उसे इसे भी तुम उस क्रियाकांड की आग से जलाना चाहते हो, क्या होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सिर्फ अष्ट मूल गुण और सप्त व्यसन का त्याग इतना ही सम्यक दर्शन के पहले होना चाहिए, इसके बिना सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं बनती है, और इसके बाद कुछ भी नहीं है रंज मात्र भी अनिवार्य। बाल कैसे होना चाहिए, कितने होना चाहिए, एक इंच के दो इंच के आधा इंच के घुटी टांग होना चाहिए, क्यों? घुटी हो तो बहुत अच्छी बात है, है? तो बेचारी महिलाओं का तो गया काम से, इनकी तो टांग घुट ही नहीं सकती है, इनका तो एक बेकार गया। और ये महिलाएं इतने इतने लंबे बाल रखें, ये सब पूरे धर्मात्मा बनी रह सकती हैं, और हमारे इतने बाल भी नहीं पुसाए। ये कहाँ का न्याय है? इन बालों से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या लेना देना है? बोला देखो यहाँ कहते हैं, देखो आचारंगादि शास्त्र ज्ञान है, जीवादि तत्व दर्शन है, और छह जीव निकाय चारित्र हैं, ऐसा व्यवहार न कहता है। निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, और मेरा आत्मा ही चारित्र है,
मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है और मेरा आत्मा ही संवर है और मेरा आत्मा ही योग है। बस अब ये उन्होंने जो व्यवहार कह दिया उसके बाद जो बात कही वो अपने आप निश्चय की हो गई। तात्पर्य यह है कि आचारांग आदि शास्त्रों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, जीवादि नौ पदार्थों का सिद्धांत ही सम्यक दर्शन है और छह प्रकार के जीव निकायों की दया पालना ही सम्यक चारित्र है। ऐसा व्यवहार नय कहता है किंतु निश्चय नय के अनुसार आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, आत्मदर्शन ही सम्यक दर्शन है और आत्मरमणता ही सम्यक चारित्र है और यही आत्मज्ञान आत्मसिद्धांत और आत्मरमणता प्रत्याख्यान है, संवर है, योग है, समाधि है, आत्मध्यान है। देखो कि इसमें तो कुछ कहा ही नहीं है, उन्होंने तो निषेध निषेध किया ही नहीं है व्यवहार का और ये कहते निषेध निषेध एक संबंध है। जो कह रहे थे उनकी सुनो, ये तो कुंद कुंद कह रहे हैं, जो अमृतंदाचार्य बताएंगे कैसा निषेध निषेध एक संबंध है। इस टीका में उनने निषेध निषेध एक संबंध बताया, अपन पढ़ लेंगे, चिंता मत करो, तुम घर पे पढ़ लेना शांति से, बहुत सरलता से आपकी समझ में आ जाए। मेरी पहली बात सुनो, वो एक ही बात कहते हैं कि जिसको तुमने यहाँ व्यवहार समझना ज्ञान चारित्र कहा, ये सब द्रविलिंगी मुनि में बहुत स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, पहले गुणस्थान वाले द्रविलिंगी मुनि में। और टोडामल जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि देखो गृहस्थ ऐलक भी हो जाए और आरिका भी हो जाए तो भी सोल में स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। और वो नग्न दिगंबर द्रिवलिंगी मुनि पहले गुणस्थान वाला, ये पंचम गुणस्थान वाला सोल में स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, घबराना नहीं, और पहले गुणस्थान वाला द्रिवलिंगी मुनि नौवें गृहवेग तक, उससे और आगे नौवें गृहवेग तक जाता है। ये 22 सागर की आयु तक जाता है और वो 31 सागर की आयु तक जाता है, ड्योड़ा हो गया 22 से 31 कितना हुआ, ड्योड़े से थोड़ा कम रह गया होगा है? अब आप समझ लो कि अब कितनी द्रिवलिंगत्व की महिमा है। अब स्वर्ग में जाने से महिमा लगाएगा वो, तो कहते उसे संसार का एक एक संसार रंच मात्र संसार नहीं कटा और इसके बहुत कुछ संसार कट गया है, तू तो अभी स्वर्गों से नाप कर रहा है ना, तो फिर तुमने क्यों बताया हमें? इसलिए बताया कि उसका इतना निर्दोष व्यवहार होता है, टोडामल जी कहते हैं इतना निर्दोष व्यवहार होता है कि केवली ही जाने कि उसमें क्या कमी है। कोई भी भावलिंगी संत भी ये नहीं पहचान सकते हैं कि ये असली है कि नकली है, इतना मतलब वो बाह्य आचरण सही हो। ये मैं ये कहना चाहता हूँ, आचार्य कहना चाहते हैं, समझना ध्यान देना कि हम जो ये बात कर रहे हैं वो नकली व्यवहार की नहीं कर रहे, ये मिथ्या दृष्टि जो व्यवहार पाल रहे उसकी नहीं कर रहे। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि मुझे मुनियों बिल्कुल आगम के अनुकूल है कि हम आज के व्यवहार की बात नहीं कर रहे। राजेंद्र जी आज के मतलब ना व्यवहार है ना निश्चय है, दिक्कत है नीचे से लेके ऊपर तक है? तो हमें द्रिवलिंगी मानते, तो हमें द्रिवलिंगी मानते हैं महाराज, नहीं मानते, हाथ जोड़ते हैं, हम नहीं मानते है? हम क्यों मानेंगे तुम्हें द्रिवलिंगी? अरे टोडामल जी ने बताया है कि केवल ज्ञान में भी आए वो उनका ये कमी रह गई, नहीं तो नहीं आए किसी ज्ञान में, हमारे छह उपसम ज्ञान में तो वो आ ही नहीं सकती है। आप समझ में आए ना? तो ये कोई कहेगा जी हमारी आलोचना है, ये हमारा तो आपकी आलोचना नहीं है, क्यों के आपकी आलोचना हम करें ऐसे आप हैं ही नहीं,
क्यों करें हम आपकी आलोचना, हमारी आलोचना के पात्र तो वे हैं जो नम्य गृहविक तक गए, हम तो उनकी बात कर रहे हैं, तुम्हारी क्या कर रहे हैं, तुम्हारी कहने की हमें कहाँ हिम्मत है, समझ रहे ना, उसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन वो द्रविलंगी इतने मंद कसाई होते हैं कि सारा शरीर चीर कर और उसमें नमक मिर्ची भुरके और वो जो भुरक रहा उसे वो देखें सामने तो भी आँख का कोया लाल नहीं हो, उस पर क्रोध नहीं आए, और चक्रवर्ती वंदना करे तो भी मान नहीं आए। हम तो उनकी आलोचना कर रहे हैं, हम तो उनके आचरण की बात कर रहे हैं। इसे लिखा ना कि वो आगम के अनुसार ऐसा आचरण, आप समझेंगे ना, आगम की श्रद्धा कि जो इसमें लिखा है वो ऐसा नहीं है कि आगम में लिखा है कि आलू में अनंत जीव होते हैं लेकिन हमें तो दिखाई नहीं देते हैं, किसने देखे, तो हमने थोड़ी देखे कि तुमने भी नहीं देखे, हमने भी नहीं देखे, तो फिर काय को मुफ्त में चक्कर में डालते हो। अरे भगवान ने देखे हैं, कि भगवान ने देखे हैं, उनने दिव्य ध्वनि में कहे हैं और वो हमने पढ़े हैं। सवाल ये नहीं है कि तुम एक आलू खाएगा तो कितना पाप लगेगा, क्योंकि भी आलू के जीव तो तेरे खाने के पहले ही मर जाते हैं और फिर पैदा हो जाते हैं। सवाल है कि तूने भगवान की बात में शक किया, समझना, तूने पहला अपराध ये है भगवान की बात। मैंने अभी अमेरिका में भी यही समझा के आया हूँ, अभी ये परमात्मा वगैरह को ये समझा रहा था कि इसमें कहाँ, वो कह रहे तुम्हें कोई माथा मारने की जरूरत नहीं है, आगम में लिखा कि ये अभक्ष है तो छोड़ देना, उसके बिना जीवन नहीं चलता है क्या, कोई बहस की जरूरत नहीं है कि ये दिखते हैं ये नहीं दिखते हैं, समझे ना, क्या फर्क पड़ता है उससे, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा क्या, ये 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 ये, ये आगम के प्रति ऐसी आस्था होना है ना। तो गुरुदेव का उदाहरण मानूं मैं आपको कि नहीं, मैं फिर सुनाता हूं। देखो बहुत से लोग नए भी हैं, हमारे विद्यार्थी बहुत से नए हैं, उनके माँ बाप भी आए होंगे तो वे भी नए होंगे। सुनो कि गुरुदेव श्री जहाँ अपने सोते थे रहते थे वहाँ से जहाँ उनका भोजन करने जाते थे तो रास्ते में पक्का तो है नहीं वहाँ, तो जब बरसात में घास हो जाती थी तो वो ऐसे पत्थर जमा के रख दिए थे तो उन एक एक पत्थरों पर पैर रख रख करके वो निकल जाए वहाँ। दिवाली के टाइम पर हम लोग गए तो खूब खास थी, वो पत्थर थे और सब लोग उनके साथ जाते थे, तो गुरुदेव आगे आगे जाते थे पत्थरों पर, पीछे पीछे लोग जाते थे। अब लोगों को अब आजकल एक वो जमाना आ गया है ना, खिच खच 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 क्या है, अपने यहाँ तो कम है फोटो खींचने का, तो सामने वाला फोटोग्राफर आता तो हर एक को गुरुदेव के बगल में आना है, अब पत्थर तो है नहीं रे, अब वहाँ तो घास है तो हरी घास में नीम के पत्ते वो सब बगल बगल में आ जाते फोटो खिंचवाने के लिए, वहाँ से खींचते फोटो, तो ऐसे आ गए तब गुरुदेव घूम देख कर तब पीछे हो क्या हुआ तुम्हें मालूम नहीं है। फिर नीमड़ा के फूल, नीमड़ा माने नीम, नीम के फूल पड़े हैं ना, इसमें अनंत नगोदिया जीव है और इसमें तुम्हारे पूरा भव के कई माँ बाप भी हो सकते हैं और इसमें भविष्य के सिद्ध भी हो सकते हैं क्या, जरा से तो उनके ऊपर पैर क्यों रखते हो। जब उनसे ये कहा तो एक आदमी कोई पहुंच गया होगा ऐसा ही ओवर बाय, बोले कौन है देखे, क्या बोले कौन है देखे, किसने पूछा होगा ये आप बता सकते हो, कोई नहीं। इस वाक्य से
कि कौन है देखे, वो कौन होगा भाई साहब? अहमदाबाद से आए ना, कहाँ से आए? अहमदाबाद वालों से पूछ लेता कौन है देखे, किसने कही होगी? किसी गुजराती ने कही होगी ना, है? है? क्यों हिंदी वाला तो किसने देखे बोलता ना। इतना देखा तो गुरुदेव की भ्रकुटी चल गई, सर्वज्ञ का अपमान करता है। अरे सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं कि मैंने कहाँ अपमान किया सर्वज्ञ का, कि तू उनकी सत्ता से इनकार कर रहा है ना। कौन है देखे, उन्होंने कोई इसको देखने वाला है ही नहीं, तो सर्वज्ञ की सत्ता से इनकार हुआ, तुम्हारी क्रमवत प्रजा से इनकार हुआ, क्योंकि सर्वज्ञता से बनी हुई है। समझ में आया ना, ये कितना बड़ा अपराध हमें दिखता है कि वो जीव मर गए जय अपराध है। बोलो, हमें सर्वज्ञ की भगवान की वाणी पे श्रद्धा नहीं है, ऐसा ये महा अपराध ख्याल में आए ना, वो हमारे जीवन में बहुत खतरनाक है। भाई जी, मेरा तो मन बन गया है पक्का, क्यों जिसे सर्वज्ञ की वाणी पे भरोसा नहीं है मैं उससे बात ही नहीं करना चाहता। बात माने वो कोई प्रश्न उत्तर करे तो मैं नहीं करता, आओ बैठो चाय पियो पानी पियो वो तो करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लंबी तो मुझे वो भी नहीं करना है किसी से, लेकिन ये तत्व चर्चा में उसे करना ही नहीं चाहता। पहले वो शपथ ग्रहण करे कि मुझे जिनेन्द्र भगवान की वाणी जो उपलब्ध है, निरापद है, जिसमें किसी में मतभेद नहीं है, उसमें मेरी पक्की श्रद्धा है, तो अब बैठ पहले एक एक करके तब बात करेंगे। क्यों अपना मनोस्वभाव खराब करना छाबड़ा जी? कितने दिन है अब? गिनती के दिन रह गए। ये गिनती के दिनों में हमें व्यर्थ की बातों में क्यों उलझें, हम व्यर्थ की चर्चाओं में क्यों उलझें? क्या जनवाणी कम है कि हमने पढ़ ली? बहुत पढ़ ली होगी, अभी भी बहुत बाकी है और उसकी गहराई बहुत बाकी है। द्वारा पढ़ो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, देखो कितना नया लगता है। द्वारा पढ़ो समय सारे, देखो कितना नया लगता है। हमारे गुरुदेव ने 19 बार तो सभा में पढ़ा था, और वे कहते अंदर में तो न मालूम कितने बार बोलते थे कि नहीं बोलते थे, और तेरे लिए सब पढ़ लिया, अब शास्त्र की जरूरत नहीं है। क्या है शास्त्रों में कहता है? तो ये अंदर में जाना है तो जाना, कौन रोकता है तेरे को, कहता है अंदर में मत जाओ। लेकिन जनवाणी के स्वाध्याय का निषेध क्यों करता है? ये महापाप क्यों करता है? कि नरक में ले जाने वाला पाप हमारे जीवन में क्यों होता है? देखो, इस कलश में मात्र इतनी ही बात कही है, मैं बता रहा हूं अभी, वो निषेध निषेध भाव घबराना नहीं। जो रागादि भाव कर्मबंध के हेतु हैं, उनका हेतु कौन है? ये बदल गया, तीर बदल गया। हाँ, ये है, ज्ञान का आश्रय होने से आचारांग आदि शब्द श्रुत शास्त्र ज्ञान है, और दर्शन का आश्रय होने से जीवादि न पदार्थ दर्शन है, और चारित्र का आश्रय होने से जीवादि छह निकाय के जीव चारित्र है, यह व्यवहार न्याय का कथन है। ये तो न्याय की भाषा चलेगी, घबराना नहीं। पहले मैं सीधी सच्ची भाषा में बता दूं ये क्या कहना चाहते हैं, कि ऐसा चारित्र कैसा उद्रवलिंगी का, कि जिसमें भगवान भी गलती ना निकाल सके। अरे भगवान भी, अभी तक तो कहते भगवान नहीं है, केवल ही निकाल सकता है और बाकी नहीं। अरे वो तो श्रद्धा संबंधी गलती निकालते हैं चारित्र, मैंने सुनना कि उन्होंने अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन नहीं किया है, देहादि में एक बुद्धि है, ऐसा ये निकालते हैं। इसमें ये चार हाथ जमीन देख के नहीं चला, ऐसी गलती नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो चार हाथ जमीन देख के चलते ही है। समझ में आए ना मैं क्या कह रहा हूँ? केवली भगवान वो ऐसी गलती नहीं निकालते हैं कि सुबह से शाम तक तेरे हम देखें और फिर कहाँ तूने गलती करी, तेरे ऊपर को मोह करके एक कदम रख दिया था। वो तो श्रद्धा की संबंधी बात पकड़ते हैं, ख्याल में आई ना। तो ये कहते हैं कि ऐसा आचरण हो जाए, सुनना,
और आगम का कैसा सिद्धांत हो जाए, पक्का आगम के वचन में मुझे सिद्धांत है, जो मैंने अभी आलू का उदाहरण देके समझाया, मैं वही बात कर रहा हूँ, दूसरी नहीं कर रहा हूँ, समझे ना। आज शास्त्र पर, गुरु पर और सर्वज्ञ पर ऐसा भरोसा हो, वो भी वो जीव को मुक्ति नहीं होती, सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होता, तो न्याय की भाषा में कहते हैं कि वो हेतु अनेकांतिक है। अरे अनेकांतिक हेतु का दूसरा नाम जरा ऐसा है कि अच्छा नहीं लगता, घबराओ नहीं, बता दूंगा कि ये हेतु व्यभिचारी है, ऐसा लगा शास्त्र में क्या, कि ये हेतु कैसा है, व्यभिचारी हेतु, अनेकांतिक हेतु का एक ही अर्थ होता है, ये पर्यायवाची शब्द है, कि वो कहते हैं कैसा है कि जिसके ये पूरे व्यवहार संबंध से ज्ञान चारित्र निर्दोष हो गया और उसके मोक्ष ही नहीं हुआ, उसके संबंध से ज्ञान चारित्र प्रकट ही नहीं हुए, तो अभी अनेकांतिक हो गया ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल जिसके पूरे निर्दोष हो गए तो फिर कुछ होना चाहिए ना, ये तो गुणस्थान पहले से आगे ही नहीं बढ़ा, इसलिए ये हेतु अनेकांतिक है। और वो कहते हैं कि जिसके ये व्यवहार सम्मा दर्शन ज्ञान, लेकिन निश्चय सम्मा दर्शन ज्ञान है, उसने श्रद्धा की है, तो वो रंच मात्र भी बाहर से संयम नहीं है, चरित्र मोह बस लेसना संयम, तो भी वो मोक्ष मार्गी हो गया, तो वो निश्चय वाली बात में कोई दोष नहीं है, वो अनेकांतिक हेतु नहीं है, व्यभिचारी हेतु नहीं है, ये व्यभिचारी हेतु है, आप समझिए ना। वो ये कहते हैं कि वो द्रविलिंगी मुनि का इतना निर्मल चारित्र हो गया, व्यवहार से जिसे निर्मल कहते हैं, तो भी मोक्ष मार्ग एक कदम भी नहीं चला, और यहाँ बहुत कुछ उसके बिना भी बहुत कदम चल गए, इसलिए वो व्यवहार में निषेध करने योग्य है, आप समझ गए ना, और निश्चय ने उसका निषेध करता है। तो सम्मत दृष्टि के भी होंगे, हम कब कहते कि नहीं होंगे, तो सम्मत दृष्टि के भी अवश्य होंगे, होना ही चाहिए, और करो की भाषा में टोटमल जी कहते हैं, कह दो तो हमें कोई ज्यादा ऐतराज नहीं है, लेकिन समझना ये कि जो वो मोक्ष हुआ है ना, उसको वो निश्चय से हुआ है, वो व्यवहार का उसमें रंच मात्र भी योगदान नहीं है, ये बिल्कुल नक्की किए बिना बिल्कुल जैन तत्व ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। वो आचरण, वो रंच मात्र भी साधन नहीं है। अब एक लिखा है, लिखा लें दो ना, क्या दिक्कत है, वो व्यवहार से लिखा है ना, कथन वो उपचारित कथन है ना, बहुत यहाँ लिखा तो लिखे रहने दो ना, लिखा है ना, हमने पढ़े है ना, वो हमने पिछले कम से कम 45 साल मुझे यहाँ हो गए अभय जी, तो कम से कम इसमें दिनों में तो मैंने दिगंबर शास्त्रों के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, एक अखबार को छोड़ दो, कोई उपन्यास भी नहीं पढ़ा होगा आज दोपहर, आप समझिए ना, मैं कोई कहानी भी नहीं पढ़ी होगी अखबार की। देखो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि दिगंबर शास्त्र ही पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा, ऐसे प्रसंग आए कि पढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों ने मुझको कहा, तो मैंने की दो प्रतिज्ञाएं मेरी हैं, तो एक मैं अपनी बाउंड्री के बाहर कहीं पढ़ाने नहीं जाऊंगा किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत, और दिगंबर शास्त्र पढ़ाऊंगा, पहले ये शर्त नक्की कर लो, कि साहब आपको गाड़ी आ जाएगी लेने, तो उसी गाड़ी में वो पढ़ने वाले आ जाने ना, नहीं नहीं कुछ करो व्यवस्था, तो मैंने की थी, वीर सागर को भेजा था, अभय जी आपको मालूम होगा, मैं भेज दूंगा, समझाया बेटा तुम नहीं करो इतनी कड़क, तुम चले जाओ, उनने पढ़ाया भी, क्या करना, किसको करना,
देखो अभी मैंने जो बात बताई ना उसके संदर्भ में मैं पढ़ता हूँ, वो सुनना तो वो बात समझ में आएगी। देखो ज्ञान का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही ज्ञान है, दर्शन का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही दर्शन है, और चारित्र का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही चारित्र है। यह निश्चय नय का कथन है। इनमें आचारांग आदि को ज्ञानादि का आश्रयत्व तो अनेकांतिक है। अभी बिल्कुल न्याय की भाषा आ गई, तो जो मैंने बताया बस वही अर्थ है इसका। वो अनेकांतिक है माने वो अनेकांत नहीं है अपना, जो अपना अनेकांतवादी है। ये अनेकांतिक नाम का दोष है जिसका नाम दूसरा व्यभिचारी है, समझे ना। अनेकांतिक हेत्वाभास है, लिखा ना, व्यभिचार नामक दोष से संयुक्त है। ये मैंने अनुवाद में डाल दिए कि अनेकांतिक हेत्वाभास है, ये व्यभिचार नामक दोष से संयुक्त है, समझे ना। उसमें तो इतना ही लिखा, बस अनेकांतिक है ऐसा लिखा। देखो पढ़ो, तत्राचारादी नाम ज्ञान आश्रत्व अनेकांतकत्वात् व्यवहार नहा प्रतिषेध्य, लिखा ना। ये दो वाक्य शब्द मैंने जोड़े हैं, पहले की टीका में नहीं थे अभय जी, क्योंकि इस टीका में क्या विशेषता है अभी आपको ऐसे कैसे दिखेगी कि ये अनेकांतिक है। अनेकांतिक हित्वाभास है माने व्यभिचारी नाम का दोष है। बहुत लोगों को लेंगे अनेकांत है, अनेकांत अनेकांत है, तो अच्छी बात तो है, अपन अनेकांतवादी तो है ही, ऐसा नहीं है जी। समय हो गया है, इसको आप पढ़ के आना, पढ़ के आओगे तो भी बहुत 90% लोगों की समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कल आपको पूरा समझा दूँ, एक एक आदमी की समझ में आ जाएगा ऐसा समझा दूँगा, लेकिन आप इसे पढ़ के आ।